गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 9 जो हमने कंप्यूटर का स्टार्ट किया था. कंप्यूटर्स मूविंग अहेड, इस चैप्टर का आज हम सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे. ठीक है, द वायरलेस वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स. यहाँ इस टॉपिक को आधा हमने पढ़ लिया था. ठीक है, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. सिमिलरली कंप्यूटर्स हैव ऑल्सो इम्पार्क्ड ऑन देअर वे टू द वायरलेस वर्ल्ड. द वायर्स यूज इन नेटवर्किंग एंड ज्वाइनिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द वायरलेस टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो धीरे धीरे जो कंप्यूटर है वो वायरलेस होता जा रहा है, जो इंटरनेट या जो नेटवर्क है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का, वो धीरे धीरे जो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो गई. साइंटिस्ट हैव मेड दिस पॉसिबल बाय यूजिंग इन्फ्रारेड लाइट फॉर दिस डेवलपमेंट. ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वर्क किया इन सब चीज़ों के लिए. ठीक है, तो फाइनली जो कंप्यूटर है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि जो है अब इसमें जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो जो कंप्यूटर्स हैं वो वायरलेस हो चुके हैं. तो आगे देखिए, अब हम इन फेरेड डिवाइस वी नो दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं. दीज आर द कलर्स वी सी इन द ब्यूटीफुल रेनबो. ठीक है, यही वो कलर्स होते हैं जो कि हमें रेनबो में दिखाई देते हैं. देयर आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. हाउ एवर देर इज लाइट बियॉन्ड वायलेट एंड रेड. द लाइट बियॉन्ड वायलेट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट. ठीक है, जो लाइट जो है वायलेट कलर की जो है बियॉन्ड यानी उसके अलावा होती है वो हमारी अल्ट्रा वायलेट होती है. एंड बियॉन्ड रेड हमारी इन्फ्रारेड होती है. दिस लाइट इज नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई बट इज यूज इन मैनी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स. ये जो लाइट्स होती है ये ह्यूमन आईज से हम नहीं देख सकते, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च होती है इसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है. इन्फ्रारेड ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स कैन सेंड एंड रिसीव इन्फ्रारेड सिग्नल्स. जो इन्फ्रारेड जो ट्रांसमीटर्स होते हैं ये रिसीव और सेंड कर सकते हैं मैसेजेस. ठीक है, इन्फ्रारेड सिग्नल्स. अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर पेरिफेरल सच एज अ प्रिंटर दैट कैन कम्युनिकेट यूजिंग इन्फ्रारेड लाइट इज कॉल्ड एंड इन्फ्रारेड डिवाइसेज. ठीक है, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जो कि जो इन्फ्रारेड लाइट के थ्रू जो है कम्युनिकेट करते हैं जैसे कि प्रिंटर वगैरह, तो ये हमारे इन्फ्रारेड डिवाइस कहलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. इन्फ्रारेड फाइल ट्रांसफर, इट रेफर्स टू वायरलेस द फाइल ट्रांसफर बिटवीन द कॉमन कंप्यूटर एंड अनदर कंप्यूटर और बाय डिवाइस यूजिंग इन्फ्रारेड लाइट. ठीक है, ऐसी वायरलेस ऐसा ट्रांसफर जिसके थ्रू जो है हम एक कंप्यूटर का जो डॉक्यूमेंट है या डाटा है दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, तो इसके लिए हम इन्फ्रारेड लाइट का इसमें भी यूज़ होता है. यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी वी कैन ट्रांसफर अ ड्रॉइंग डॉक्यूमेंट और अ प्रोग्राम टू अनदर डॉक कंप्यूटर. ठीक है, इसके जरिए जो है ड्रॉइंग या डॉक्यूमेंट हम जो है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी फॉर फिजिकल चैलेंज्ड. कंप्यूटर्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एज दे आर बींग यूज एवरीवेयर. सो द नीड वॉज फेल्ट टू इम्प्रूव दैम टू इनेबल द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल टू यूज दैम ईजिली एंड सक्सेसफुली. ठीक है, तो जो ऐसे लोग हैं यानी जो इनेबल हैं फिजिकल एबिलिटी की वजह से, अनएबिलिटी की वजह से, तो वो लोग भी कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकें, तो इसके लिए भी जो है बहुत कुछ किया जा चुका है. देर आर द पीपल विद स्पेशल नीड्स हु नीड सम स्पेशल हेल्प टू बी एबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स. ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास जो है स्पेशल स्पेशल जो फीचर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए. ठीक है, जैसे हैंडीकैप्ड लोग हैं तो उनको जो है कुछ अलग फीचर्स की जरूरत पड़ती है ताकि जो है कंप्यूटर पे वो भी वर्क कर सके. विंडोज अलाउस अस टू एडजस्ट द अपीयरेंस एंड एनहांस द एक्सेसिबिलिटी फॉर विजन इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और मोबिलिटी इम्पेयर्ड यूजर्स विदाउट एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. ठीक है, तो विंडोज़ जो है ये जो है ऐसा सिस्टम अपने अंदर जो है इन्हेंस करती हैं. ठीक है, डेवलप करती हैं जिसके जरिए जो है वो भी जो है कंप्यूटर पे वर्क कर सके. लेट अस हैव अ लुक एट सम सच फीचर्स. ठीक है, ऐसे ही कुछ फीचर है. मैग्नीफायर इन एनलार्जेस अ पोर्शन ऑफ द स्क्रीन फॉर ईजी व्यूइंग फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट. ठीक है, तो ऐसे लोग जिन्हें थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है तो वो मैग्नीफायर एनलार्जर्स के जरिए जो स्क्रीन का कोई भी पोर्शन जो है बड़ा कर सकते हैं ताकि जो है उन्हें देखने में दिक्कत ना हो. ठीक है, व्हेन दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड विंडोज शोज अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ थिंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, जब ये ऑप्शन जो हम सेलेक्ट कर देते तो उसके बाद जो पोर्शन हमने सेलेक्ट किया वो थोड़ा जो है
जूम हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं. व्हेन यू मूव द माउस पॉइंट ऑन द स्क्रीन द आइटम टू विच इट इज पॉइंटिंग इट शोन इन द मैग्नीफाइड व्यू. ठीक है, जब आप पॉइंटर को मूव करते हैं माउस के थ्रू तो जो है वो जहां जहां जाता रहेगा तो वो थोड़ा जो है लार्ज होता जाएगा वो जो आइकॉन है हमारा कंप्यूटर का. ठीक है, नेक्स्ट है नरेटर. नरेटर यूजेस टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन टेक्नोलॉजी टू रीड अलाउड द कंटेंट्स ऑफ द स्क्रीन एंड दिस इज यूजफुल फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट्स. ठीक है, तो जो नरेटर है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए जो स्क्रीन पे जो भी चीज़ है या जो भी जो आइकॉन्स हैं उस या जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो उसको रीड करने का काम जो है कंप्यूटर आपके लिए करता है. ठीक है, ये भी जो है विजन जिनका कमज़ोर होता है या जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए यूजफुल प्रोग्राम है. नेक्स्ट है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. ऑन स्क्रीन कीबोर्ड प्रोवाइड्स यूजर्स विद लिमिटेड मोबिलिटी द एबिलिटी टू टाइप ऑन स्क्रीन यूजिंग अ पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है, ये जो ऑन स्क्रीन यूजर जो है कीबोर्ड, इसके जरिए आप डायरेक्ट जो है स्क्रीन पर लिख सकते हैं, आपको टाइप नहीं करना पड़ता. अ कीबोर्ड इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड दिस अलाउज द यूजर टू टाइप बाय क्लिकिंग विद द माउस. ठीक है, और इसके जरिए जो है आप जब कीबोर्ड आपको जरूरत नहीं पड़ता, कीबोर्ड जो है आपकी स्क्रीन पर ही बन जाता है, माउस के थ्रू क्लिक करते जाते हैं और टाइप होता जाता है. ठीक है, तो इससे जो है टाइप करना भी ईजी हो जाता है. तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो कि जो फिजिकल चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है. ठीक है, इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है.